बड़ी खबर है, मेरठ करंट हादसे में एक और कांवड़ियों की मौत की खबर मिल रही है और हादसे में कुल 6 कांवड़ियों की अब तक मौत हो चुकी है। झुलसे 15 कांवड़ियों का इलाज चल रहा है और झुलसे 5 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। हादसे के बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी गठित की गई है इस सारे हादसे की जांच करने के लिए। तो एक और कांवड़िए की मौत हुई है, यहां पर कुल 6 कांवड़ियों की जान जा चुकी है इस हादसे में। जो झुलसे हुए हैं कांवड़िए, उनमें से 15 का इलाज चल रहा है और 5 कांवड़ियों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, अफसोसनाक खबर, एक और कांवड़िए की मौत। बीती रात जो हादसा हुआ उसमें 5 कांवड़ियों की जान गई, अब एक और कांवड़िए की मौत की खबर आ रही है। 15 कांवड़िए जो झुलसे हुए हैं उनको इलाज दिया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 5 की हालत उनमें से गंभीर बताई जा रही है। तो मेरठ हादसे में एक और कांवड़िए की जान चली गई है। सीधा आपको मौके पर ले चलते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी। दिव्यांकर, अभी ताजा अपडेट मैंने दर्शकों को दी, अफसोसनाक अपडेट दी, एक और कांवड़िए की जान गई है, लेकिन जो झुलसे हुए कांवड़िए हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज कहां पर चल रहा है और क्या स्थिति है वहां पर? जी राजेंद्र, जो भी लोग इस हादसे में झुलसे हैं उनका 2 हॉस्पिटल में अलग अलग में एडमिट कराए गए हैं, लेकिन फिलहाल की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो आप देख पाएंगे शंकर पार्वती की मूर्ति के साथ ये जो रथ है, इसी को जब यहाँ से खींच कर आगे लेके जा रहे थे जो लोग थे इसके आसपास, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें आई और उसके बाद उनमें से कई की जो डेथ है वो भी हो गई। और क्योंकि सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे ये जो 11,000 हाई वोल्टेज वाली लाइन जा रही है और इसी से जब पीछे जो डीजे आपको नज़र आएगा ये जब इससे यहाँ पर टकराता है, छूता है, उसके बाद जो करंट है वो आ जाता है, क्योंकि ये रथ और ये डीजे जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और जिसके चलते जो ये बड़ा हादसा है वो हो जाता है। हमने आसपास के लोगों से बातचीत की, यहाँ पर ये जो आपको ईंटे का ये भट्टा मतलब ढेर नज़र आएगा यहाँ पर, इसके चलते थोड़ा सा साइड करके जो डीजे वाला रथ है इसे लेके आगे जाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल की क्या तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल रहता है कि चाहे गम हो चाहे खुशी हो सब लोग एक साथ उसमें शरीक रहते हैं, लेकिन ये पूरा जो हादसा हुआ है उसके बाद सभी गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा आगे चल के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो भी तैनात हैं और जिन लोगों के जिन परिवार वालों ने अपने सदस्यों को घरों वालों को खोया है उनके भी जो घर की महिलाएं हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या फिर गांव वाले लगभग सभी लोग यहां पर आपको नजर आएंगे। किस तरह से यहां पर जो गांव के फिलहाल जो हालात हैं उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर भारी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो भी यहां पर तैनात हैं, देख सकते हैं यहां पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी हैं और इसके अलावा आगे अगर चलें तो वहां पर महिलाएं भी हैं, वो भी यहां पर बैठी हुई हैं जो रो रही हैं, बिलख रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गमगीन माहौल है फिलहाल अगर गांव की बात करें और काफ़ी ज़्यादा परेशान है लोग, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार जब बोला गया था कि इस रास्ते से रथ जाएगा, कांवड़ यात्रा जो यहां से कांवड़िए जो हरिद्वार गए थे जल भरने के लिए वहां से आज वापस आ रहे थे, कल यानी कल की बात की जाए तो सावन का सोमवार है, जल चढ़ाते गांव के ही जो शिवलिंग है वहां पर, लेकिन उन सब के बावजूद बताए जाने के बावजूद प्रधान के द्वारा भी सूचना दिए जाने के बावजूद क्यों आखिर ये लाइट का कनेक्शन है उसे शटडाउन क्यों नहीं किया गया, तो ये बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर उठा रहे हैं। और आगे चल के एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हर ओर जो गांव के सभी लोग हैं वो हर जगह यहाँ पर नजर आएंगे आपको, पूरी तरह से गमगीन माहौल यहाँ पर बना हुआ है, वो चेहरों से जाहिर है और समझा भी जा सकता है उसको दिव्यांकर। और सवाल जो आपने उठाए वो बिल्कुल वाजिब, वो सबके सामने है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट।
17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।